फ्रेंड्स, इस वीडियो देखने के बाद आपका रसगुल्ला अगर सॉफ्ट नहीं हुआ, मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगी। सच बोल रही हूँ फ्रेंड्स, इस ट्रिक को आप एक बार आजमा कर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रेसिपी। मैंने यहाँ पर 3 लीटर ये वाला दूध लिया है, जिसे मैंने 2-3 मिनट उबाल लिया है। इसके बाद मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब हम इसका छेना काटेंगे। छेना काटने के लिए मैंने यहाँ पर 4 छोटा चम्मच विनीगर लिया है और उसके साथ में थोड़ी सी पानी ऐड किया है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा डालेंगे और छेना काटेंगे। ये देखिए, अच्छे से मिलाने के बाद हमारा छेना बहुत ही अच्छे से कट गया है। अब हम इसका पानी छान लेंगे। पानी छानने के लिए मैंने कॉटन का कपड़ा ले लिया है या मलमल ले लिया है, उसमें हम छान लेंगे। इसके बाद हम छेना को 2-3 बार इस तरह से धो लेंगे, बहुत ज़्यादा ना धोए क्योंकि छेना हार्ड हो जाएगा या सख्त हो जाएगा। अब हम कपड़ों को चारों तरफ से इस तरह मोड़ेंगे और इसका एक्स्ट्रा जो पानी है वो हमें निचोड़ लेना है। बहुत ज़्यादा पानी निकालने की ज़रूरत नहीं, आराम से जितना निकालता है उतना ही निकालिए, वरना हम छेना को जब मिक्स करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाएगा और रसगुल्ला सॉफ्ट नहीं बनेगा। सारा पानी मैंने निचोड़ लिया है और इसके बाद हम छेना को 1.5 से 1 घंटा तक इस तरह से लटका के रखेंगे। तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने करीब यहाँ पे 2 लीटर पानी लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप चीनी। मैंने 1/2 कप चीनी लिया है। अब हम चीनी को अच्छे से माइल्ड होने देंगे और पानी में उबाल आने देंगे। चाहे तो आप इस समय फ्लेवर ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पर थोड़ी सी इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ और थोड़ी सी रोज़ वाटर या आप केवड़ा वाटर भी यूज़ कर सकते हो फ्लेवर के लिए। तब तक हम छेना चेक कर लेते हैं। 1 घंटे के बाद मैंने छेना को निकाला। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से पानी झड़ गया है। अब हम इसे हाथ से थोड़ा सा मैश कर लेंगे या मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हथेली से हमें छेना को इस तरह से मिलाते रहना है। कम से कम 15 से 20 मिनट या 1/2 घंटा भी लग सकता है। मुझे तो करीब 1/2 घंटे तक लग गया है। हो सकता है आपको कम टाइम लगे, लेकिन छेना को आप जितने अच्छे से मिक्स करेंगे, हमारा जो रसगुल्ला है वो बिल्कुल भी नहीं फटेगा। छेना मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद हम इसे ढक के रखेंगे और रसगुल्ला बनाएंगे। थोड़ी सी छेना आप हाथ पे लीजिए, जैसे भी आपको छोटा या बड़ा साइज चाहिए। इसके बाद देखिए, साइड में मैंने शक्करदाना या रामदाना ले लिया है। बीच में हमें इसे 4-5 डाल देना है इस तरह से, और इसको इस तरह से राउंड राउंड या गोल गोल बनाना है। बिल्कुल भी क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर आपके रसगुल्ला में क्रैक आता है तो आप समझ लीजिएगा, पानी में जाते ही हमारा रसगुल्ला फट जाएगा और पूरी मेहनत हमारा मिट्टी में चला जाएगा। इसके लिए बिल्कुल भी क्रैक नहीं होना चाहिए। ये देखिए, एकदम क्रैक नहीं है। तो इसी तरह हमें सारे रसगुल्ले को बना लेना है। फ्रेंड्स, ये जो शक्करदाना या रामदाना डालने से, ये जब हम पानी में डालते हैं रसगुल्लों को, तो ये गल जाते हैं और अंदर से जो है स्पॉन्जी बनते हैं हमारा रसगुल्ला, और बहुत ही सॉफ्ट भी बनते हैं। तो आप याद रखिए, इस तरह एक बार करके देखिए, आपका जो रसगुल्ला है वो बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट बनेगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो ये देखिए, मैंने सारा बना लिया है। अब हम इसे बनाएंगे। रसगुल्ला बनाने के बाद आप एक कपड़े से इसे ढक के रखिए ताकि ये सूख ना जाए। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। पानी में ऐसे ही उबल आते रहना चाहिए। रसगुल्ला फटते हैं कि नहीं, इसके लिए आप चाहे तो एक बार टेस्ट ले लीजिए। एक छोटा भगोना में थोड़ा सा पानी लेके एक छोटा रसगुल्ला डाल के उसमें देखिए कि रसगुल्ला फटते हैं कि नहीं। अगर आप सारे रसगुल्ला पानी में डाल देंगे, हो सकता है हमारा रसगुल्ला सब फट जाएगा और हमारा मेहनत पूरा बेकार जाएगा। इसके लिए छोटा सा एक बना के आप उसे टेस्ट के लिए भी दिखा सकते हो, मैंने जैसे वीडियो में दिखाया है आपको। फिर हम इसे 5 मिनट बिना ढके पकाना है
और फिर हम इसे ढक के 40 से 50 मिनट या एक घंटा भी लग सकता है। हाई मीडियम फ्लेम में रख के ढक ढक के हम पकाएंगे, चाहे तो आप बीच बीच में चेक कर सकते हो। तो 40 से 50 मिनट के बाद मेरा जो रसगुल्ला है वो हो गया है। ये देखिए बहुत ही फूल गया है और बहुत बड़ा बड़ा सा हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, तो हमारा रसगुल्ला बनके तैयार हो गया है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसे थोड़ी देर ठंडा होने दूंगी। आधे घंटे के बाद ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हुआ है फ्रेंड्स। अब हम रसगुल्लों को एक बाउल में निकाल लेंगे। चाहे तो आप अलग से चाशनी बना के इसे डुबो सकते हो, मगर आप अगर शुगर या चीनी ठीक ठाक डालते हो तो एक्स्ट्रा चाशनी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सारे रसगुल्लों को एक बाउल में निकाल लिया है और यह चाशनी मेरा घर पे पड़ा हुआ था, यह बचा हुआ चाशनी को मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये छान के डाल दिया है मैंने, और जो रसगुल्ले का जो चाशनी है वो भी हम डाल देंगे। फ्रेंड्स, आप एक बार इस तरह से बनाकर ज़रूर देखिए, बहुत ही सॉफ्ट बनी है हमारी ये रसगुल्ला। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। आज के लिए बाय बाय।